सुनील वो पीछे हो जा रहा है यार। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग। आदरणीय अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक वित्त महोदय, मुख्य सतर्कता अधिकारी, उपस्थित सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण का पब्लिक सेक्टर वीक के समापन समारोह में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह कितना सुखद संयोग है कि एमईसीएल को इसी सप्ताह स्कोप एक्सलेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, जिससे हमारे निगम की उद्यम में बढ़ोतरी हुई है तथा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बीच अपनी एक खास पहचान बन गई है। आप सभी को संक्षेप में स्कोप अवार्ड की पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा, जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रबंध निदेशक महोदय को दिनांक 11 अप्रैल 2017 को दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से मिला और जिसे हम सब साझा करने जा रहे हैं। यह उपलब्धि हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का अनुभव करा रही है। स्कोप अर्थात स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सार्वजनिक उद्यमों का एक शीर्ष निकाय है, जिसने वर्ष 2014-15 के लिए पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में उत्कृष्ट और असाधारण योगदान के लिए स्कोप अवार्ड प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत और संस्थागत कैटेगरी में उत्कृष्टता अवार्ड के लिए नॉमिनेशन आमंत्रित किया था। एमईसीएल ने संस्थागत कैटेगरी 2 मिनीरत्ना 1 एंड 2 की श्रेणी में अपना नॉमिनेशन भेजा, जिसके अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा विधिवत भरकर भेजा गया, साथ ही एमओयू दस्तावेज भेजे गए और वर्ष 2014-15, 13-14 और वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट भेजी गई। इनके मूल्यांकन के आधार पर एमईसीएल को स्कोप एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि हमारे सीएमडी महोदय के नेतृत्व में ही एमईसीएल को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, और यह मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त न हुआ होता तो हमारा नॉमिनेशन इस अवार्ड के लिए ना हो पाता। अतः हमें अपने सीएमडी साहब की दूरदर्शिता की दाद देनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसके लिए तालियों से उनका स्वागत करें। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज पब्लिक सेक्टर वीक जो हमारे एमईसीएल में पिछले सप्ताह से आयोजित थी, आज उसका समापन समारोह है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य सतर्कता अधिकारी श्रीमान मनीष भिंडे साहब से निवेदन करूंगा कि पब्लिक सेक्टर वीक के विषय में हमें अवगत कराएं। श्री भिंडे साहब, सभी महिलाएं, सभी साथीगण, जैसे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पब्लिक सेक्टर वीक एमईसीएल में भी मनाया जा रहा है और आज इसका समापन समारोह हम लोग कर रहे हैं। अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो अगर हम जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, अगर तब से आज तक देखें तो करीब 70 साल इसको हो गए हैं, और जो हमारी कंट्री का आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पॉलिसी बना वो बेसिकली उसकी फाउंडेशन पब्लिक सेक्टर को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी गई, जिसके तहत ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री लेकिन सोशल और ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रोमिनेंस मिला। उस टाइम ये तक होता था कि गवर्नमेंट टू टेक ओवर एनी प्राइवेट अंडरटेकिंग अंडर दिस रूल की फॉर द पर्पज ऑफ दैट कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री इट हैज़ टू कम इन द पब्लिक सेक्टर फोल्ड।
और ये काफी डिबेटेबल इशू भी हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर से जो एक्सपेक्टेशंस की वो कितनी फुलफिल हो पाई। ये जरूर है कि अधिकतर पब्लिक सेक्टर्स ने बहुत की रोल निभाया है और कंट्री के डेवलपमेंट में अपूर्ण योगदान काफ़ी योगदान दिया है और इसीलिए आज भी पब्लिक सेक्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारी सोसाइटी में है। एमी कुछ ही वर्षों में जितना मैं देख रहा हूँ इसने भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान एट नेशनल लेवल बना लिया है और इसका क्रेडिट जरूर से हमारे सीएमडी सर को जाता है जिन्होंने अपनी लगन से इसका एक तरह से टर्न अराउंड कर दिया और कंट्री मतलब हर साल की जो उपलब्धियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इसका ये एक बहुत ही उदाहरण हमारे सामने है कि इतना बड़ी उपलब्धि हमें मिली स्कोप का ये जो हमें अवार्ड मिला स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विच इज़ ए यूनिक अचीवमेंट। तो मैं इसकी बधाई देना चाहूँगा और पूरा एंटायर मैनेजमेंट एंड टीम ऑफ MECL और हमें एक्चुअली मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में अपना रोल तो निभाना ही चाहिए इसकी निगाह एज ए सोसाइटी भी होनी चाहिए। एक अपने अपना जो मेन काम है वो तो करना ही करना है बट आपको बाकी भी जगह निगाह रखनी है सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज की डेट में देयर आर मैनी बर्निंग इश्यूज तो वहाँ पे भी आई होप कि हम सारी कंपनियाँ एक्टिव पार्ट करेंगी जैसे कि आज की डेट में एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और इस पर इतना जोर है वी नो डे बाई डे द सिचुएशन इज वर्सनिंग एंड अ लॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। इसीलिए आप देखिए CSR की पॉलिसी आई और आप आज की डेट में बहुत सारा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो गया जिससे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वॉट एवर द पब्लिक सेक्टर डज एक्सपेंडिचर इट इज़ आउट इन ओपन इन फ्रंट ऑफ ऑल टू सी वॉट इज द नेट रिजल्ट आउट ऑफ ऑल दिस। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं इस वीक की आपको पुनः बधाई दूंगा जो जिन्होंने यहाँ की प्रतियोगिताओं में भाग लिया जिनको प्राइज मिला उनको भी बहुत बहुत बधाई और मैं चाहूँगा कि MECL इसी तरह से अपना स्थान बनाए रखे और बल्कि और उन्नति के मार्ग पर जाए। थैंक यू। धन्यवाद श्रीमान भिंटे साहब। अब मैं निदेशक वित्त श्रीमान MSN पब्लिक सेक्टर विंग के समापन समारोह पे वो हमें संबोधित करेंगे। Respected CME, CEO and other colleagues, today is the final day of function of our scope week. Scope, this is a standing conference of public sector enterprises. The public sector enterprises started way back in 1950s because at that time private industry was not that capable of starting heavy industries like steel, etc. It started with about 5 public sectors. Now it has grown up to 250 or something like that, more than 350. Okay, at that time the money was not there with the private people, so public sector started. Now, see the problem is that because government cannot do the business, though so they have started the public limited companies with government funding. We are one of the public sectors. In our particular service sector, that is mineral exploration, there is no other private company which can do or which is doing the total A to Z. That means from G4 exploration, that means the exploration of this one, to drilling and then sampling and analysis and preparation of final GR. There is no company, there is no private sector company. Why? Because the problem with public sector, private sector is that they want returns to be paid. But in public sector, we don't expect returns immediately, but we have to give a quality output to the both public and to the government. But at the same time,
we have to compete. In certain sectors, we have to compete with the private sector, which is not easy, because being a parent said, I know what are the problems. Because our expenditure is more, our overheads are more, not because that our we spend lavishly, that is not the thing. The salary wages as per the government notification and as per our agreement with the unions. So we should not be lesser than anybody else. So this increases our cost. Even then, we should compete. That is our endeavor. And now coming to the present situation, we have received an award for 2014-15. The receiving the award is a very good thing and we cherish it. But at the same time, our responsibility is increasing. For future years, we have to maintain that. We have to maintain the quality and the end product. That means the profitability of the company, quality of the products we deliver, and at the same time we should be excellent and at par with all other public sectors which are doing different types of jobs, which may be some may be easier than us and some may be difficult. But we have to maintain our head high in our society, that is public sector society, that is scope. This is a fresh challenge to all the employees of MECL to be more vigilant, and we should always try for getting excellent. That means 100 out of 100. Actually our MOU is there. We should always try to get 100 out of 100. That then only we can aspire for keeping our name, because now everybody is praising us, so we are happy. When we go outside, everybody tells, oh, you got scope excellence award. Yes, sir. But at the same time, back of my mind, next year also we should get something. Otherwise, they'll forget our name. So this is, you take this as a responsibility for future and march ahead. This is my this one. I pray God to give us the courage and the conviction to do the best at our best. Thank you. धन्यवाद सर. अब मैं सर को निवेदन करूंगा कि वह आकर हमें संबोधित करें. डॉक्टर धवन सर. का ध्यान ना करें, सबका मिला जुला फंक्शन, एक परिवार की तरह आइए आइए. तो देखा सबसे पीछे अभी भी कुछ लोग हैं जो कि काफी पीछे, बीच बीच में जहां देखिए सीटें खाली होंगी. प्रिय श्री मूर्ति डायरेक्टर फाइनेंस, श्री भीमते सीबीओ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जन मैनेजर्स, डीजीएम्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, महिलाओं एवं मेरे साथियों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही अच्छी सूचना के साथ यहाँ आया हूँ. परंतु उसके पहले कल पूरे देश में धूमधाम के साथ पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती मनाई है. इस पूरी अवसर पर मेरा उनको सशक्त नमन और आप सबको मुबारकबाद और उनके कृतित्व से प्रेरणा लेने की मैं आशा करता हूँ कि हम सभी लोग अपने अपने कार्यों में ये प्रेरणा लेते रहेंगे. ये आपकी कंपनी आज एक और नए मुकाम को हासिल कर चुकी है और हमें 11 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने, जैसा कि आपको बताया गया कि स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर के एक्सेलेंस परफॉर्मेंस के एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा है. ये अवार्ड हमने दो बड़ी कंपनियों के सानिध्य में प्राप्त किया है
co-sharing में नहीं कहूँगा, परंतु इस कैटेगरी में तीन जो कंपनीज आइडेंटिफाई की गई उसमें ONGC विदेश जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी अपने आप में, MECL और इसमें जो तीसरा अवार्ड था वो वेबकॉस को, जो कि उनका एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट अवार्ड है वो उनको दिया गया। तो ये हम सबके लिए एक बहुत गौरव का विषय है। आप में से कुछ लोगों को जो हमेशा इस मैदान पे 15 अगस्त 26 जनवरी और फाउंडेशन डे 21 अक्टूबर के दिन मुझसे रूबरू होते रहे हैं, शायद मेरे दो या तीन साल पहले के भाषण में कहीं ना कहीं दर्द छुपा था कि हम क्यों नहीं MOU में एक्सीलेंट रेटिंग ला पाते, और क्योंकि यदि MOU रेटिंग एक्सीलेंट नहीं होती तो हम इस अवार्ड के लिए नाकाबिल अपने आप हो जाते। अभी ये नया बच्चा जो कंडक्ट कर रहा है इस कार्यक्रम को, इसने एक बहुत अच्छी बात याद कराई कि हम इसके लिए तभी क्वालिफाई कर पाए क्योंकि हम मुनिरत्ना बन गए, क्योंकि ये अवार्ड ही मिनीरत्ना कैटेगरी 1 और 2 का था, तो निश्चित तौर पे पहली तो कंडीशन यही थी। और मिनीरत्ना बनते ही मैंने यहाँ पे आप लोगों से ये चीज शेयर की थी कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्रपति महोदय से इस पुरस्कार को प्राप्त करें। अगर आप मेरे पुराने भाषणों को कहीं खंगाल के देखें तो आपको ये बात दिखेगी, मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों की आशा नहीं की है, भगवान ने सब कुछ किया है, परंतु ये एक ऐसा अवार्ड था जिसको कि मैं चाहता था कि हमारी कंपनी को मिले, और मैं परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये अवार्ड हमें मिला है। परंतु मैं निश्चित तौर पे ये बात जानता भी हूँ और आप लोगों से शेयर भी करूँगा, कहूँगा कि इस अवार्ड की प्राप्ति एक नए संकल्प की शुरुआत होनी चाहिए। ये हमेशा एक माइलस्टोन को प्राप्त करना दूसरे माइलस्टोन की तैयारी होती है, और यहाँ पे भी हमें इसमें और आगे बढ़ते चले। इस बार मैंने जब सभी अवार्ड्स की वहाँ समीक्षा की तो मैंने देखा MECL को एक नहीं दो तीन अवार्ड हर साल मिलने चाहिए, क्योंकि हम कई क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं। इसमें CSR के लिए अवार्ड, इसमें गुड गवर्नेंस के लिए अवार्ड, इसमें बेस्ट इंडिविजुअल लीडरशिप का अवार्ड, जिसका MOU रेटिंग से बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं। तो मैं इसकी दो तीन किताबें अपने साथ लाया हूँ, वेबसाइट पर भी आप लोग देख सकते हैं, परंतु ज्यादा हैंडी रहने की वजह से मैं एक लाइब्रेरी अपने यहाँ मिस्टर मुंडे के पास रखवा दूंगा, और आप लोग टर्न बाय टर्न बेसिस पे लेकर आप देखिए आप कहाँ हैं, आप और आपका डिवीजन इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ है, आप सब मिलकर MECL को कहाँ ले जा सकते हैं। तो मुझे काफी प्रेरणा मिली, क्योंकि निश्चित तौर पे एक बात राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कही, वो आपसे वो भी मैं शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड क्यों दिए जाते रहने चाहिए, हम कुछ लोगों को अवार्ड दे रहे हैं मगर ये क्यों दिए जाने चाहिए, क्योंकि जिससे कि बाकी लोगों को भी अंदाजा हो कि ये लोग भी तो उसी वातावरण में काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो उसी सरकारी सिस्टम का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, इनकी भी तो फाइलें इतनी लेट होती हैं, इनके भी तो सभी जगहों में सब दुनिया भर के 3 C जिसकी चर्चा की जाती है वो सब रहते हैं, तो जब ये प्राप्त कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने कहा इसी से देश में एक्सीलेंस आएगी, तो मैं उस देश को अपनी MECL में अगर ले आऊँ तो मैं कहूँगा इसी से हमारी MECL में एक्सीलेंस
आईडी और हम सब में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हो गई। और इसी वजह से आप देख रहे हैं पिछले 5 साल से हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जो अच्छा करते हैं उनको हम अवार्ड देते हैं। इस बार भी 7 और 8 तारीख को हमारा वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसमें जो भी हमारे अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स थे उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हमने ट्रॉफी से नवाजा। और मैं देखूँ बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव वातावरण का निर्माण उससे हुआ। इसमें हमारे सभी HODs, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और OICs ने भाग लिया, सभी वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया, सभी ने एक तरह की एक ही ड्रेस पहनी, बहुत अच्छा था। जो मुझे फीडबैक मिल रहा सभी में बहुत ही अच्छी थी भावना का संचार है। हिमदे सर ने एक चीज का जिक्र किया बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरे अपने कार्यक्रम के साथ साथ बाकी सब होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ भी चिंता करनी चाहिए। एक तरफ की तरफ एक इशारा किया CSR, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत आगे बढ़ गए। पिछले 4-1 साल के अंदर हमने काफ़ी उन्नति की। हमारा पहला एक्सपेंडिचर 5 साल पहले सिर्फ 70,000 रुपये का, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं थे, कम करते भी तो कहाँ से थे। उसके बाद 5-1 लाख का जो प्रॉफिट के अनुरूप, मगर हम खर्चा नहीं करते। 5 लाख रुपया हम 2011-12 में खर्चा नहीं करता। और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पिछले साल उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई, 28 लाख हुआ, फिर 35 लाख हुआ, फिर 67 लाख हुआ, फिर पिछली बार 170 लाख, यानी कि 1,70,00,000 का खर्चा हम कर पाए। सभी प्रोजेक्ट्स ने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया। मगर और इस बार करीब 2.5 करोड़ के आसपास का हमारा बजटरी प्रोविजन बनेगा, क्योंकि ये आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट का एक निश्चित अमाउंट है, 2% आपके प्रॉफिट का पिछले 3 सालों का एवरेज लेके इसमें दिया जाता है। तो क्योंकि प्रभु कृपा से प्रॉफिट हमारा अच्छा बढ़ता जा रहा है तो ये भी बढ़ रहा, मगर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा वैसे वैसे इसको सही तरीके से खर्च करने की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। पैसे को सरकारी तरीके से खर्च करना बिना किसी CVCO के झंझट में फंसे हुए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पैसा एलोकेट कराना आसान है, मगर पैसे को खर्च करना जो है वो जो लोग प्रोक्योरमेंट में हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का काम देखते हैं, फाइनेंस का काम देखते हैं, या हमारे CEO साहब हैं, या ये हमारे GMHR हैं जो पिछले 2 साल से बखूबी CSR के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करने की जरूरत होती है, इसको फेंका नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे ये पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी चिंताएं और हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, और उसमें आप सबको एक पॉजिटिव रोल निभाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सभी लोग, चाहे किसी भी डिवीजन में हों, वो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और मेरा CSR को लेके एक व्यक्तिगत मानना है, तो मैंने 4-5 साल पहले शेयर किया था जब मैंने ये देखा कि 5 लाख रुपया भी हम खर्च नहीं कर पाए, और इसको लेकर के प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी अरुचि है और लोग इसे बड़ी मुसीबत समझते हैं। अरे भाई हमको ड्रिलिंग करवा देंगे, ये हैंडपम्प बनाना कहाँ से हमारा काम हो गया, हम कैसे बनाएं, या स्कूल्स पे कुछ अच्छा काम करना है तो हम कैसे करें। इसी मंच से मैंने इसी वक्त ये बात कही थी कि ये जो है हमारे पूर्व जन्मों के सत्कर्म हैं कि हमको ये मौका मिल रहा है CSR पे के माध्यम से अपने समाज की सेवा करने का, उन लोगों की सेवा करने का जो हमारी तरह उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, कि जिनको अच्छी सरकारी नौकरियां मिल गई और अपना परिवार का जीवन यापन बड़े शहर में रह के अच्छी तरह निभा पाते। बहुत सारे लोग हैं
जो बहुत ही अभावों की जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए हम कंपनी के पैसे से, सरकार के पैसे से, सरकारी नियमों के तहत कुछ पुण्य का काम करें। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझा है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने भी इस बात को समझा और उसी का ये परिणाम है कि बहुत ही अच्छी स्कीम्स के तहत काम हो रहा है। नारी उत्थान के लिए काम हो रहा है, एजुकेशन में काम हो रहा है। इस बार तो 500 से ज़्यादा टॉयलेट्स बना के हमारे लोगों ने 6 गाँव को बिल्कुल ओपन शॉट से मुक्त कर दिया, ODF बना दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि छोटा मोटा जो काम होता है वो दिखता नहीं है, मगर 6 गांवों को हमें 5 का टारगेट दिया गया और हमने कहा हम 6 करेंगे, एक ज़्यादा करेंगे क्योंकि अच्छा काम है। तो ये अच्छे काम है, मगर इसमें मैं अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा और जो ज़्यादा जिम्मेदारी HR की जो कॉर्पोरेट ऑफिस की टीम से उनके ऊपर ये आती है कि जो काम हुए हैं उनकी क्वालिटी को जरूर देखा जाए, उनकी सस्टेनेबिलिटी को देखा जाए। हमने कहीं टॉयलेट बना दिया और वो टॉयलेट बाद में 6-7 महीने बाद बंद हो गया, हमने कोई पंप हैंडपम्प बनाया और उसका हैंडल उखड़ गया, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका रख रखाव हमें अपने जो आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं उनके माध्यम से, हम नए काम चाहे कम करें मगर जितने किए उन्हें बिगड़ने न दें। क्योंकि जब मान लीजिए कोई भी आदमी जाता है, ज़रूरी नहीं कि जब हमारे बनाए हुए किसी सामूहिक स्नानागार में या शौचालय में कोई वहाँ का MLA, MP, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SDM कोई भी जाते हैं तो देखते सब MECL में बनाए और पता लगा कि उसके अराउंड बहुत सारा कूड़ा। मेरे पास ऐसी भी पिक्चर्स आई हैं, तो तुरंत MECL के नाम को एक धक्का लगा। जो आपने अच्छा काम किया था उससे बल्कि नेगेटिव में चला जाता, तो ये हमने नहीं होने दे। और ये काम अकेले HR का नहीं है, मैं ये कहूँगा जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, कोई भी उनका संबंध वहाँ से रहता है, इन सूचनाओं को इकट्ठा करते रहें। DGM ऑपरेशंस इस मामले में ज़रूर एक अपनी इनपुट्स मिस्टर मूर्ति को देते रहें कि साहब आपका ये काम बिगड़ रहा, क्योंकि हमें आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बनिस्पत के किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलेगा, है ना, किसी ऑनरेबल के माध्यम से पता चलेगा, उससे अच्छा है पहले हम, अगर हमसे कोई कहीं गलती हो रही है तो अपने को हम खुद सुधारेंगे। दूसरी चीज़ जो CDO साहब के इशारे को समझते हुए मेरे ध्यान में आ रही है वो है कि देखिए आजकल ट्रांसपेरेंसी का दौर। अभी कल परसों में मैंने किसी न्यूज आइटम में पढ़ा कि WCL ने कुछ लैंस और कुछ ऐप्स लॉन्च कर दिए कल, हाँ कल ही की बात है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से उन्होंने 2 ऐप्स लॉन्च किए। मैं ये पेमेंट ऐप जो भीम ऐप है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वो तो आप सब लोग व्यवस्था हैं और जो प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि सब लोग इसको यूज़ करें और जो लोग कम जानते हैं उनको सिखाएं। हर आदमी इस ऐप को 3-3 लोगों में इंस्टॉल कराए तो आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट किसने उसने बताया है, परंतु वो तो सब और चूँकि बात आई तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है वो मेरा कर्तव्य है कि मैं खुद भी करूं और आप लोगों को भी प्रेरित करूं। परंतु इसके अलावा ये जो WCL ने ऐप बनाया वो, और मैं बोर्ड रूम में कई बार आप लोगों से कहता भी रहा हूं कुछ ऐप्स के सुचारू रूप से चलाने में, 6-7 महीने पहले भी ये IT की मैडम बैठी हुई हैं तो इनको याद होगा, जब ये कार्यक्रम सभी PSUs में माननीय मंत्री महोदय ने बताया तो हमने कहा हम MECL में भी कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ तैयारियां हुई भी मगर फिर धीरे धीरे करके रुक गई और शायद मैं भी उसे बहुत परसों नहीं कर रहा। परंतु ये जो 2 ऐप्स कल मैंने इनके देखे उसमें से एक ऐप तो सीधे सीधे कट पेस्ट करके अपने यहाँ लगता, जितने भी वेंडर्स हैं उन वेंडर्स का
कोई भी वेंडर चाहे तो अपने बिल के मूवमेंट को उसके ऊपर देखे। ये ट्रांसपेरेंट मेथड आगे आने वाले समय में देखो हम लोगों की तो जिंदगियां कट गई, मगर जो अभी जिन लोगों को 5-10 साल से ज्यादा नौकरी करनी है वो पूरे ट्रांसपेरेंट वातावरण में नौकरी करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। तो अब वो जमाने चले गए कि किसी ने आपसे पूछा कि साहब मेरा बिल नहीं पास हुआ, तो आपने उसको कहा यार कल आना बात करेंगे, अभी बहुत फर्क है। ये उसके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, कोई हमें कुछ नहीं, आप भी वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आप आशा करते हो कि आपको आपके मोबाइल पे आपकी एप्लीकेशन का मूवमेंट दिख जाए, बहुत सारी आजकल ऐसी चीजें, तो हम क्यों नहीं करते। तो ये मैं आपको नहीं, मैं बाद में बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। तो सिर्फ इसके लिए तैयार करिए, मैं एंड रिजल्ट देखना चाहूँ। मुझ तो मेरे तो दो तरीके हैं कि मुझे ये चाहिए और आपको मुझसे क्या चाहिए, क्या सबको चाहिए, मैं देने को चाहिए। कोई अड़चन आती है किसी प्रकार की वो मुझे बता दीजिए, मैं उसे रिजॉल्व करूंगा। तो इस प्रकार से ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल, ऐसे ही एक दूसरा है। हाँ, दूसरा है तुमका, ये उन्होंने देखिए मैं WCL जो यहाँ से कुछ ही दूर पे है, मैं इनकी तारीफ करूंगा इस मामले में। जब से ये मिश्रा साहब चेंजी आए, और इनको मुझसे कम समय हुआ, ये मुझसे आधे ही समय रहे इस कंपनी के सीएम, मगर इन्होंने 100 से ज्यादा नए काम कर, ये हर सप्ताह इनका ये एक एक शुरू से वो तरीका रहा है कि ये दो नई चीजें उठाते, और इनके यहाँ इनकी पूरी एक टीम है जो इस काम को करती, और बड़े अजीबोगरीब टाइप के, और उसमें से ये भी नई चीज है। तो एक चीज इनकी थी, इनकी माइंस के गड्ढों में से पानी भर जाता था। आप देखिए नागपुर के आसपास के एरिया में इन्होंने उसे प्योरीफाई करके वाटर सप्लाई करके शुरू किया। इनकी एक पुरानी माइन थी, उसको इन्होंने एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया। आप कह सकते हैं कि अब MECL के पास भी आप सोचना शुरू करें तो एक नहीं बहुत सारी ऐसे आपको सुझाव मिल सकते हैं, और आपके अपने दिमाग में नई नई बातें आ सकती हैं। अरे पुरानी ड्रिल मशीनें इकट्ठी करके उनकी एक म्यूजियम बना दो, ऐसे होते हैं जो कि समाज को प्रभावित करते हैं सतही तौर पर। ये एक सतही तौर पे प्रभावित करने वाला आइडिया होगा, परंतु बहुत सारे आइडियाज ऐसे आइडियाज की जरूरत है जो रियली जो आज बदलाव की जरूरत है देश को, उस बदलाव को लाए। वो बदलाव ये है कि सरकारी उपक्रमों के कार्य करने की कार्यशैली में फर्क आना चाहिए, और वो फर्क जो है सबसे बड़ा एक फर्क है वो है ट्रांसपेरेंसी। अगर और ये जो हमारा IT का एप्लीकेशन है अगर सही तौर पर किया जाए तो यही ट्रांसपेरेंसी ला सकते। रेलवे की आपके टिकट में ट्रांसपेरेंसी कौन लाए? रेलवे का जो बुकिंग सिस्टम चेंज है, नहीं तो हम आप दलालों के चक्कर में घूमते रहते, ये ना आता तो नहीं आता, और लोग खुश थे उससे, उस व्यवस्था में चल, उस व्यवस्था से जो लोग खुश थे वो कभी भी नहीं चाहते थे। बैंकों में जब IT आई तो दुनिया भर की हड़तालें हुई। आप बताइए किसी बैंक कर्मी को नौकरी से निकाला गया क्या? मगर ये होता था नहीं साहब IT आ जाएगी तो बहुत ज्यादा लोग बैठ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि नौकरियां बढ़ी हैं, नौकरियां कम नहीं हुई। इसी प्रकार से आप MECL में देखिए, अभी हम ERP लगाने वाले हैं, ये ERP लगाने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपके कार्यक्रम में आपके अपने कामों में आपको सहूलियत होगी, आपको अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन के लिए किसी GMHR के दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। आपके डैशबोर्ड पे जहां बैठ के काम करते हैं या हर डिवीजन में एक एक कंप्यूटर सबके उपयोग के लिए लगा देंगे, अपना एक एम्प्लॉय नंबर डालिए जो आपके पास है और अपना सब कुछ देख लीजिए, PPF कितना है वो देख लीजिए, मेडिकल बिल दिया था पास हुआ कि नहीं हुआ देख लीजिए, छुट्टी की एप्लीकेशन साहब ने नाराजगी दिखाई या अप्रूव कर दी किस कौन से साहब के पास होती है देख लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें हमारे अपने फायदे के लिए, MECL की वजह से मुझे राष्ट्रपति महोदय के हाथों से जीवन में पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिला। ये पुरस्कार आपका है, मेरा नहीं, मैं तो एक आपका मुखिया हूँ, इसलिए मुझे वो इज्जत दी गई। एक सिर्फ शरीर मेरा है,
बाकी सब कुछ है। और ये मैं अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यहाँ पे MECL से जुड़े हुए सभी लोगों को ये मैं अवार्ड समर्पित करता हूँ। और आप लोगों से मैं वंस अगेन ये अनुरोध करूँगा कि अब कोई साल ऐसा न जाने पाए जबकि MECL को स्कोप के फोरम से, राष्ट्रपति महोदय के हाथों से अवार्ड न मिले। हर वर्ष हमें एक नहीं दो तीन अवार्ड मिलने चाहिए, इसका हमें यहाँ से संकल्प लेकर जाना है। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपका संबोधन हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। अब मैं आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक वित्त महोदय, मुख्य सतर्काधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच के नीचे जो कुर्सियां रखी गई हैं वहां पर आकर के स्थान ग्रहण करें। अभी हमारे बीच में जो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो सम्मान पुरस्कार दिया गया है उसका सीधा प्रसारण जो कि दिनांक 11/4/2017 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में दूरदर्शन चैनल पर किया गया था, उस पल को फिर से यादगार साझा करने के लिए आप सभी के सामने समारोह की रिकॉर्डिंग का प्रस्तुति की जा रही है। मैं आदरणीय अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक वित्त और मुख्य सतर्कता अधिकारी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम स्थल पर लगी कुर्सियों पर बैठें। Miniratna 1 and 2. ONGC Videsh Limited, I now request Mr. D.K. Sarap, Chairman OBL and Chairman and Managing Director ONGC, and Mr. N.K. Verma, Managing Director ONGC Videsh Limited, to receive the Gold Trophy of Institutional Category 2, Miniratna 1 and 2 PSUs. अगला पुरस्कार श्री सी एस तिवारी, हिंदी अधिकारी, इनको जाता है। उपस्थित सभी महाप्रबंधक एवं प्रभाग प्रमुखों से मैं निवेदन करूंगा कि जो पुरस्कार हमें मिला है MECL को, इसके साक्षी बनने के लिए आप सभी हमारे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक वित्त एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ में फोटो खिंचवाने के लिए मंच के सम्मुख उपस्थित हो। अब मैं श्री पीपी मेश्राम एवं श्री इसके उपरांत श्री जी एस भगत एवं बेहरागढ़ी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार ट्रॉफी आप लोगों के लिए भी सामने लाइए। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप सबके सहयोग से। धन्यवाद। अब मैं पूरे एमी congratulate all of you for this award winning ceremony. First of all, our CMD has represented our company as our
all of you aware, 244 PSUs हैं हमारे entire country में. उनके सभी ने हमारा CMD साहब ने हमारा MECL को हमारे MECL के नाम को ऊंचा उठाया है. उनके लिए सभी के मैं रिक्वेस्ट करूंगा तालियों के साथ उनका अभिनंदन. Sir, under your dynamic leadership, we are company is progressing in a very progressive way. We are very thankful to you. And whatever the direction given by you, we are following the directions and are following your instructions. And we will be doing the continuously doing the same. I also thank our Director of Finance, M.S. Murthy Garu, for your guidance in this activity. I also thank our Chief Events Officer. Sir, whatever the instructions given by you, we are completely transparently following all the activities. Once again, we will re-look into our activities. We will try to follow whatever the guidelines which are followed by all the people. At the same time, I request all the general managers, deputy general managers, HODs, and all the colleagues, ladies and gentlemen, for attending this function and make it a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. हमारे अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक महोदय ने जो पुरस्कार लिया है, ये पुरस्कार अभी कुछ समय के लिए इसी जगह पे रहेगी. आप सभी जो भी सदस्य इस पुरस्कार के साथ अपना फोटो लेना चाहें, आप फोटो ले सकते हैं कार्यक्रम के उपरांत. कार्यक्रम उसे उठा करके देख सकते हैं, अपने साथ फोटोग्राफ ले सकते हैं. महोदय से आज्ञा चाहूंगा. थैंक यू. धन्यवाद. आप सभी के लिए नाश्ता का व्यवस्था किया गया है. जिस किसी ने भी अभी तक नाश्ता ग्रहण ना किया हो, कृपया नाश्ता का सेवन करके ही अपने